और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अन अकेडमी पर आप जाके अभी पढ़ सकते हैं लाइव। और यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स इंडिया के जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएएमसी से पढ़े हुए लोग और काफ़ी ज़्यादा एम्स दिल्ली से पढ़े हुए बच्चे भी आपको पढ़ा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जाके आप जो है लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको पढ़ाई करना है वहाँ पर, तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे ए बी सर तो आपको वहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अन अकेडमी पर आपको क्यों पढ़ना चाहिए, लाइव क्लासेस मिलती है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज की न्यूज़। ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि इस विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर एक है श्रीमान, इस पे चर्चा। क्योंकि यार अब दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, या तो एडमिट कार्ड आएगा या तो फिर ऑफिशियल नोटिस आएगा जिसमें लिखा होगा कि नीट पोस्टपोन हो चुकी है। पर जब हम नीट पोस्टपोन का नोटिस देखने जाते हैं या फिर ऑफिशियल नोटिस देखने जाते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की प्रोफाइल पे, तो वहाँ पर हमें दिखती है कुछ कविताएं। जैसे कि आज की कविता थी ट्यूजडे मोटिवेशन लिखा है नीचे, और कविता थी झूम झूम गाँव रहे, इस तरह की कुछ कविताएं रोज आ जाती है। और यार जब मैं परेशान हो चुका हूँ, मतलब मैं रोज हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट देखने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पर जो कल कविता आई थी संडे थॉट्स, और संडे को आई थी ऐसा देश बनाए, और पता नहीं क्या क्या ज्ञान और विज्ञान के हर क्षेत्र में बढ़ जाए ऐसा देश बनाए। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है कैंसल जेई और कैंसल एग्जाम से रिलेटेड जब ट्वीट चलता है तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। 8 नंबर पर ट्रेंडिंग में आया था, आपने देखा होगा कि कैंसल एग्जाम 2020 ये भी 8 नंबर पर आया था, पर इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। और मैं आपको बताऊँ, जब लाइव पूछा गया एचआरडी मिनिस्टर से कि सर आप क्या चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ है या नहीं है, तो उन्होंने बेनेट यूनिवर्सिटी के साथ जब इंटरव्यू करा था तब उन्होंने कहा है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ और स्टूडेंट्स की सेफ्टी मेरे लिए सबसे हाई प्रायोरिटी है। पर उनके एक्शंस में ऐसा नहीं दिख रहा है। जब आप देखते हैं उनकी प्रोफाइल पर तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक कविता है कुर्बान होगा देश, कुर्बान होगा देश, अब इससे क्या कहना चाहते हैं। अभी यार अपन को समझ में भी नहीं आता कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इतने सारे बच्चे, अब मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ ओवर एग्जाम्स जो हमने ट्वीट चलाया था, जिसको यार मैंने बहुत अच्छे से पोस्ट भी करा था अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, क्योंकि मुझे लगा था कि यार कुछ हो जाएगा पक्के से। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 125K ट्वीट्स हुए थे, ये मैंने रात में डाला था, सुबह तक जो है 3 लाख के ऊपर ट्वीट्स हो चुके थे। तो 3 लाख जब बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, और यार मुझे नहीं पता इग्नोर कर रहे हैं कि क्या सोच रहे, इतना टाइम लगा रहे, क्योंकि 3 लाख बच्चे अभी बीच में फंसे हुए हैं। 3 लाख बच्चे जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसमें से 3 लाख बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में होगा ना। तो यार इतना यार इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हेल्थ ओवर एग्जाम्स को ट्रेंडिंग में लाया गया था, 14th नंबर पर ट्रेंडिंग में था, तो फिर इसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो फिर हमको क्या लगता है कि यार इतना टाइम वेस्ट करा, इतनी एनर्जी लगाई, इतना सब कुछ करा। अब कई लोग ने अपने फ़ोन से, अपने पापा के फ़ोन से, अपनी मम्मी के फ़ोन से, अपने पीयर्स के जितने भी अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनके सबके फ़ोन से उन्होंने ट्वीट करा, इतना टाइम वेस्ट करा, इतनी एनर्जी लगाई, पर उसका रिजल्ट क्या निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। और अगले दिन उन्होंने वापस से एक कविता डाल दी, नहीं कि संघर्ष करे भारत और इस तरह से कुछ। देखिए आपको मैं बताऊँ, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है जो मुझे पूछना है एचआरडी मिनिस्टर सर से कि सर आप बताइए कि जो मंत्री वर्ग जो है घर में बैठे, मतलब आप लोग जो है मंत्री लोग जो है वो लोग घर में बैठे हुए हो, और आप वहाँ से जो है ऑर्डर दे रहे हो कि हमको नीट में जाना है कि नहीं जाना है, एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, अगर आप में अगर इतना दम है तो फिर आप बाहर आके आइए और बाहर 50 सेंटर पर घूम के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि करवाना चाहिए एग्ज़ाम कि नहीं करवाना चाहिए। महाराष्ट्र में जाइए आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, दिल्ली में जाइए पता चल जाएगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। वो लोग अपने घर में बैठे हुए, अपने कैबिनेट में बैठे हुए, और वहाँ पर से वो लोग डिसीजन निकाल रहे हैं, और उसे हमें फॉलो करना है, क्योंकि हम तो जनता है ना, आम जनता हम तो। और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि हर छात्र को 50 लाख का बीमा देने के लिए आप सुनिश्चित कर दीजिए कि यार एटलीस्ट अगर आपको कुछ भी होता है, अगर आपको कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आती है, तो आपको एटलीस्ट इतना रुपए मिलेंगे ताकि जो है आपकी फैमिली सस्टेन कर पाए, पर ऐसा भी कोई रूल नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, तो अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो फिर वो क्या होगा, और यार वहाँ पर तो जो है थर्मल स्कैनिंग होगा और लू भी लगेगी, सब कुछ होगा, तो यार उस टाइम जो है थर्मल स्कैनिंग होगी, और उस टाइम अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो आपको डायरेक्टली आइसोलेट करा जाएगा और वहाँ पर आइसोलेशन जोन में आपको रखा जाएगा। तो यार उस एग्ज़ाम वाले प्रेशर में, इतने प्रेशर में आपके 3 घंटे जो इतने इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में अगर आपके साथ ऐसा बिहेवियर होगा तो आपका एग्ज़ाम के बहुत अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम आप मेंटल प्रेशर में आ सकते हैं, और उस टाइम जो 3 घंटे है वो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट समय है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई
अस्वस्थ छात्र परीक्षा केंद्र में परीक्षा देता है तो क्या गारंटी है कि संक्रमण के में रोकथाम होगी? अगर आपके साइड में अगर कोई बच्चा बैठा है उसने खांस दिया गलती से, और हो सकता है कि उसको कोरोना हो, हमें नहीं पता कि है कि नहीं, पर हो सकता है कि कोरोना हो क्योंकि अभी इतना ज़्यादा फैल रहा है, 3 लाख के ऊपर केसेस हो चुके हैं और यार काफ़ी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और यार इस टाइम पे भी अगर सरकार जो है अपना एग्ज़ाम लेके ही हमें मरवाना चाहती है तो फिर इसके लिए अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। ट्वीट करने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो कहना चाहता हूँ। फाइनली मैं आपको ये कहूँगा कि यार अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए, क्योंकि ट्वीट वगैरह करने से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे 50-50 हज़ार बच्चे, 60-60 हज़ार बच्चे रोज़ ट्वीट कर रहे हैं, पर देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? एट दी एंड ऑफ द डे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि दूसरा जो बच्चा है वो उस टाइम पे पढ़ रहा है, वो उसके रैंक आ जाएगी, उसके नंबर आ जाएंगे, MBBS में सिलेक्ट हो जाएगा, पर आपका जो है ट्वीट करने में आप रह जाएंगे। तो इससे रिलेटेड अब आप जो है ट्वीट मैं कहता हूँ मत करिए, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, हो तो कुछ रहा है नहीं, हमारा टाइम अलग वेस्ट हो रहा है। ठीक है, यही था, एक छोटा सा वीडियो है यार, तो आपको आई होप कि आपको जो फैक्ट्स दिखे होंगे इसमें और आपको कुछ समझ में आया होगा कि 3 लाख बच्चों को जब वो इग्नोर कर सकते हैं तो फिर हमें कोई उम्मीद नहीं है अब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर जेई एंड नीट एस पेरेंट्स। इफ़ यू लाइक टू गेट मोर अपडेट्स, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। ईच एंड एवरी आवर आई विल अपडेट एंड वीडियो इफ एनीथिंग्स कम्स अप। थैंक यू वेरी मच। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जाके चेकआउट करिए, अनअकैडमी पे मेरा कोर्स चल रहा है अभी, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स सब मैंने पढ़ाया वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ABSIR। थैंक यू वेरी मच।